सो गाइज, अगर आपके कंप्यूटर में वीडियो फाइल्स बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन अब स्पेस नहीं बचा है, तो आप अपने सिस्टम की वीडियो फाइल्स को कंप्रेस करके, वो भी बिना उनकी क्वालिटी में चेंज किए, आप अपने सिस्टम का स्पेस बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो फाइल्स को कैसे आप कंप्रेस कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट्स क्वालिटी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको एक टूल अपने सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा। चाहे आपको वीडियो को कंप्रेस करना हो अपने सिस्टम की स्टोरेज बचाने के लिए, या फिर आपको कंप्रेस करना हो ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए, आप किसी भी पर्पज के लिए इस टूल का यूज ले सकते हैं। तो जस्ट आप गूगल पर चलिए मेरे साथ और यहाँ पे टाइप कीजिए हैंडब्रेक। हैंडब्रेक आपको लिखना है और सर्च करना है। यहाँ पे वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, handbrake.fr, जो कि एक ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर है जो आपकी मदद करेगा आपकी वीडियो फाइल्स को कंप्रेस करने में। इस वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पे डाउनलोड का लाल बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से हमारा सब्सक्राइब का बटन है, आपको दोनों को ही प्रेस करना है, ठीक है। तो डाउनलोड का बटन आप यहाँ पे प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, यहाँ पे हैंडब्रेक टूल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा टूल नहीं है, 19.49 MB का ही टूल है, बहुत स्मॉल टूल है, ठीक है। खास बात यह है कि ओपन सोर्स है, आपके लिए फ्री अवेलेबल है। तो जस्ट इस टूल को डाउनलोड होने देंगे। डाउनलोड होने के बाद चलिए हम इस टूल को रन कर लेते हैं। रन होने के बाद जस्ट मैं नेक्स्ट 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 करके इस टूल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम में मेरे इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे हैंडब्रेक, और यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करने के लिए बोला, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। ये टूल मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया, चलिए इसको रन कर लेते हैं। लेकिन रन होते ही यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है जिसमें मुझसे कह रहा है कि टू रन दिस एप्लीकेशन यू नीड टू इंस्टॉल ए न्यूअर वर्जन ऑफ .NET कोर, ठीक है। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं, यस पे क्लिक करते हैं। यस पे क्लिक किया मैंने तो ये डायरेक्ट मुझे .NET की वेबसाइट पे ले गया, जहां से हम इस .NET वर्जन को, लेटेस्ट .NET वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, रन कंसोल एप्स, रन डेस्कटॉप एप्स, रन सर्वर एप्स। तो जो ऐप हम रन करना चाहते हैं वो है डेस्कटॉप ऐप। तो हम यहाँ पे रन डेस्कटॉप ऐप्स के लिए डाउनलोड करेंगे .NET को, बीच वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। और अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में। तो 54.5 MB का ये .NET फ्रेमवर्क था, कोर था, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप हम इजिली यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको भी इस तरीके का एरर फेस करना पड़े .NET की वजह से, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे .NET भी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अब आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक फाइल है, वीडियो फाइल है कि GoPro के थ्रू मैंने शूट करा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज आपको शो करूँ तो 320 MB की फाइल है, जो कि लगभग 1:27 की समथिंग फाइल है। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ इसकी क्लैरिटी क्या है। आप देख सकते हैं 60 FPS पे बनाया गया ये वीडियो है और इसकी क्लैरिटी आप देख सकते हैं, वीडियो की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ये वीडियो मैंने ही शूट किया, अब मैं इसी को कंप्रेस करूंगा क्योंकि ये 320 MB का है, 1.5 मिनट का, बहुत ज़्यादा स्पेस गया ना। इस तरीके अगर मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो मैं उनको कंप्रेस करके बहुत सारा स्पेस बचा सकता हूँ। तो चलिए कंप्रेस करने के लिए हम ओपन कर लेते हैं हैंडब्रेक। और हैंडब्रेक का फर्स्ट इंटरफेस आप देख लीजिए, फोल्डर यहाँ पे बैच स्कैन के लिए आ रहा है और एक फाइल ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास एक फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हैं तो आप फोल्डर बैच स्कैन को भी यूज ले सकते हैं। इसमें सारी फाइल्स उस फोल्डर की ये कंप्रेस कर देगा पर्टिकुलर सेटिंग्स के साथ। अदरवाइज आपके पास कोई सिंगल फाइल है तो आप फाइल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप दोनों ही चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बीच में आप देख सकते हैं ड्रॉप अ फाइल और फोल्डर हेयर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो मैं अपनी फाइल यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप करता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने उठाया और यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। स्कैन हुआ और यहाँ पे लोड हुआ, प्रीव्यू यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सोर्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है ऊपर एक लाइन में कि हाँ ठीक है, आपका सोर्स क्या है, आपका फाइल करंट सोर्स क्या है, उसका रिजोल्यूशन क्या है, कितना FPS पे। तो आप देख सकते हैं नियर अबाउट 60 FPS पे बनाया हुआ वीडियो है, 59.94 FPS यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। टाइटल यहाँ पे शो कर रहा है, टाइटल में आपको ये शो कर रहा है कि हाँ ठीक है कितने मिनट की ये क्लिप है, ठीक है, जो कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद इस टूल की जो सबसे खास बात है वो है प्रीसेट। इसमें काफी सारे प्रीसेट अवेलेबल है जिनके अकॉर्डिंग आपको कोई अलग से सेटिंग करने की जरूरत नहीं वीडियो को कंप्रेस करने की। जस्ट आपको अपना प्रीसेट यहाँ से सिलेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आप वीडियो कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ अपने लिए रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीसेट में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे प्रीसेट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी फास्ट प्रीसेट 720 1080 576, अलग अलग FPS पे अलग अलग क्वालिटी यहाँ पे अवेलेबल है। हाई क्वालिटी प्रीसेट भी अवेलेबल है वेब के, डिस्कॉर्ड, नाइट्रो, जीमेल। अगर सपोज जीमेल से रिलेटेड अगर आपके पास जीमेल पे कोई वीडियो आपको सेंड करना है और जीमेल की लिमिट है 25 MB से बड़ा वीडियो आप उस पर सेंड नहीं कर सकते, फाइल सेंड नहीं कर सकते, तो जीमेल प्रीसेट करके ये ऑटोमेटिकली आपके वीडियो को 25 MB से कम में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा।
ट्रांसकोड कर देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे प्रीसेट आपको नजर आ रहे होंगे, H.265 जो कि लेटेस्ट हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे वीडियो एनकोड किया जाता है, जिसमें आपकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है और बहुत ही ज्यादा उसको कंप्रेस भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे कंप्रेस करना है तो आप इस फॉर्मेट को, इस प्रीसेट को अपना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे H.265 2160 FPS वाला प्रीसेट यहाँ पे अपनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और वीडियो का साइज बहुत ज्यादा कम हो जाए। अभी 320 MB का था, तो देखते हैं कन्वर्ट होने के बाद कितना MB का यहाँ पे मेरे पास वीडियो बचता है। तो मैं ये प्रीसेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हालांकि अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो H.264 या फिर H.265 प्रीसेट के साथ जा सकते हैं, जो कि लेटेस्ट एनकोड है, इनमें आप अपना वीडियो एनकोड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप कहीं पर्टिकुलर स्पेस पर, पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया किस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि काफ़ी सारी सोशल मीडिया लाइक ट्विटर H.265 को सपोर्ट नहीं करता है। तो आप अगर अपलोडिंग के लिए देख रहे हैं तो पर्टिकुलर प्रीसेट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने स्टोरेज के लिए देख रहा हूँ और मुझे जस्ट वीडियो रखने हैं और उनकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जस्ट उनका जो साइज है वो कंप्रेस करना है। तो मैं H.265 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे काफी सारे नीचे टैब्स आ रहे हैं जिनका यूज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समरी, डायमेंशन, फिल्टर्स, वीडियो, ऑडियो, सबटाइटल, चैप्टर्स, ये सभी वो टैब है। अगर आप कस्टम सेटिंग चाहते हैं अपने वीडियो में तो वो आप कर सकते हैं। तो समरी में आप देख सकते हैं फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है आपके पास MP4, MKV और WBM। ठीक है, तो आप यहाँ पे वही प्रीडिफाइंड, क्योंकि हमने प्रीसेट सेलेक्ट किया है इसलिए मैं फॉर्मेट वही रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पर डायमेंशन में आते हैं, डायमेंशन में भी आपको काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं करने के लिए, वीडियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए। फ्लिप अगर आपको करना है, हॉरिजॉन्टल अगर आपको फ्लिप करना है तो आप यहां पर वो भी कर सकते हैं यहां पे डायमेंशन में। अगर आपको क्रॉप करना है, वीडियो क्रॉप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिल्टर आप यहाँ पे अपना सकते हैं अपने वीडियो में। ग्रे स्टाइल अगर आपको करना है, कलर से ग्रे करना है तो आप वो भी अपना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो एनकोडर आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। फ्रेम रेट अगर आपको चेंज करना है तो वो भी कस्टम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रीसेट कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड सेटिंग्स के साथ यहाँ पे आता है। फिर भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी प्रीसेट के साथ आगे मूव करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन चेंज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे ही यहाँ पे वीडियो आ जाए, जिससे कि मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखा पाऊँ कि कितना साइज यहाँ पे रिड्यूस हुआ। तो डेस्कटॉप पर ही मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और इस फाइल का नई फाइल का जो नाम है वो रख देता हूँ मैं न्यू फाइल। ठीक है, फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एनकोडिंग होना शुरू हो गया है। ठीक है, एनकोडिंग होने में टाइम तो ले गई। जब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा फाइल्स अगर एनकोड कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय लेकर करें, रात को लगा के छोड़ दें अगर बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर एक ही फाइल है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर स्पीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनकोड हो चुका है और यहाँ पर मैं जो साइज देख रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मैं इस टूल से, क्योंकि इसने मेरे 320 MB के वीडियो को जस्ट 64.2 MB में एनकोड कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात है क्या क्वालिटी सेम है। तो चलिए इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ VLC में और यहाँ पर वीडियो जो मैं अगर रन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को ऑलमोस्ट जो क्वालिटी है वो सेम ही यहाँ पे नजर आ रही है। मुझे क्वालिटी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, पिक्सल से कोई फटे हुए नहीं है, तो क्वालिटी बिल्कुल सेम है। साइज आप देख सकते हैं 320 MB से 64.2 MB, यानी कि लगभग 4 से 5 गुना कम यहाँ पे, 6×5 30, 5 गुना कम यहाँ पे साइज कर दिया गया है। तो बहुत ही डिजास्ट्रिक यहाँ पे स्पेस हम बचा सकते हैं वीडियोस को कंप्रेस करके, क्योंकि वीडियोस, क्योंकि हम में से काफी सारे लोगों की आदत होती है अपने फोन में वीडियो शूट किया और अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और हम उनको बहुत ज्यादा देखते भी नहीं है, लेकिन अगर फॉर मेमोरीज हमें यहाँ पे रखना ही है वीडियोज को, तो उनका साइज हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। हमारे सिस्टम का जो साइज है, जो सिस्टम का स्टोरेज स्पेस है, वो भी बचा रहेगा। आई होप कि जो जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।